और शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बड़ी खबर वैक्सीनेशन से जुड़ी हुई है। वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी की गई है। विदेश जाने वाले 28 दिन में आप कोविशील्ड की दूसरी डोज ले सकते हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभी 84 दिनों में दूसरी डोज का नियम है। नई गाइडलाइन से छात्रों, नौकरी पेशा और खिलाड़ियों को राहत इससे मिल सकेगी। तो देखिए, ये सुविधा जो है 18 प्लस से ऊपर वालों को मिलेगी। जो 31 अगस्त तक यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये बड़ी गाइडलाइंस जारी की गई है। और ऐसे में ये राहत भरी खबर भी, क्योंकि अभी फिलहाल देखिए 18 प्लस और 45 प्लस लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है, कोवैक्सीन का स्टॉक कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में कोविशील्ड को लेकर ये नई गाइडलाइंस है, जिसमें कहा गया है कि जो लोग विदेश में पढ़ रहे हैं या विदेश में नौकरी पेशा कर रहे हैं वो कोविशील्ड की पहली डोज के 28 दिन बाद दूसरी डोज ले सकता है और ऐसे में फिर विदेश यात्रा कर सकता है। बिल्कुल, देखिए तो यहाँ पर मुख्य तौर पर समझा जाए तो छात्रों और नौकरी पेशा और जो साथ खिलाड़ी हैं उनको इससे फायदा मिलेगा, इससे राहत मिलेगी। वैक्सीनेशन पर केंद्र की नई गाइडलाइन क्या कुछ कहती है ये हम आपको बता रहे हैं। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जेपी नड्डा और शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात आज दिल्ली में होगी। दोनों नेताओं की मुलाकात ही बड़ी खबर। बंगाल के हालात पर बातचीत दोनों के बीच हो सकती है। शुभेंदु और उनके भाई पर राहत सामग्री चोरी का केस दर्ज है। बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष के रूप में है शुभेंदु अधिकारी और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली में जेपी नड्डा और शुभेंदु अधिकारी की मुलाकात होनी है। बंगाल में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि देखिए बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार हुई तीसरी बार और ऐसे में सरकार बनते ही हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई। तो बंगाल के हालात पर बातचीत हो सकती है जेपी नड्डा और शुभेंदु अधिकारी के बीच आज दिल्ली में। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, बंगाल बीजेपी की बड़ी बैठक आज हो रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। चुनावी हिंसा और बीजेपी नेताओं पर दर्ज मुकदमों का विरोध यहां पर देखने को मिल सकता है। 18 बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। एक महीने में 40 बीजेपी वर्कर्स की हत्या का आरोप लगाया गया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। हिंसा रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, इसको लेकर बीजेपी आलाकमान चिंतित है और अब 18 बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। ममता राज में हाहाकार मचा है। बम बारूद से बंगाल की धरती लाल है। बंगाल के 24 परगना का ये वीडियो देखिए और समझ जाइए कि दीदी के बंगाल जीतने के बाद वहां आम जनता का क्या हाल है। ममता बनर्जी को बंगाली मानुष ने सत्ता क्या दी, अब टीएमसी के गुंडे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मौत बनकर टूट पड़े हैं। उत्तर 24 परगना में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बमबारी की ये भयानक तस्वीरें इसका सबूत है। बंगाल में या तो मरेंगे या हमें बंगाल छोड़ के भागना होगा। इस परिस्थिति में बंगाल के जनता रह रही है, खासकर वो जनता जो 70% की भूमिका में है, जहां जो जिहादियों का सामना नहीं कर पा रही है क्योंकि पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धर के बैठी है। बंगाल बीजेपी के 18 सांसदों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी जिसमें बताया गया कि बंगाल में 30 दिन के भीतर 40 बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है। कई हजार घरों को जलाया गया जिससे 1,00,000 लोग बेघर हो गए हैं। बीजेपी कर्मी का बम मार के हत्या कर दी गई और वहाँ के लोग ये कहते हैं कि इस तरीके का नृशंस जो है ऐसा दृश्य इन्होंने नहीं देखा। तो एज अ कस्टडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेके गवर्नर साहब तो बोलेंगे। और दो दिन पहले ही बंगाल में बीजेपी दफ्तर के पास 50 से ज्यादा क्रूड बम मिलने से हड़कंप मच गया था। शुभेंदु अधिकारी भी दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। ममता सरकार ने शुभेंदु अधिकारी और उनके भाई के खिलाफ लाखों रुपए की राहत सामग्री चोरी करने का आरोप लगाया है। इस मामले में FIR भी दर्ज की गई है। बंगाल में कानून व्यवस्था का ये हाल देखकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को बुलाया और चुनाव के बाद जारी हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा मांगा। तो TMC ने पलटवार करते हुए कहा कि केंद्र सरकार बदले की कार्रवाई करना चाहती है। 200 सीट तो उनके आए नहीं तो वो तो उसमें फेल हो गए। अब क्या है, अभी किसी भी तरह 356 प्रेसिडेंट्स रूल बंगाल में उनको जारी करनी है, इसी काम पे वो लगे हुए। गवर्नर के तो कोई काम है ही नहीं। ममता बनर्जी लाख बीजेपी पर आरोप लगा लें, लेकिन प्रचंड जीत के बाद प्रदेश के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ममता बनर्जी पर है। लेकिन बंगाल हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है।
सरेआम बंगाली मानुष का खून बह रहा है, तो सवाल ममता बनर्जी से ही पूछे जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, दीदी की दबंगई लगातार जारी है। 30 दिन में 40 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई है, और ऐसे में बीजेपी आला कमान की तरफ से अब कदम उठाए जाने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। अभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अभिषेक, देखिए, आज शुभेंदु अधिकारी और जेपी नड्डा के बीच में मुलाकात होगी, चिट्ठी भी राष्ट्रपति को लिखी गई है, दूसरी तरफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मुख्य सचिव को तलब किया है। ऐसे में आज जो राजधानी दिल्ली में बैठक हो रही है, उस बैठक को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ बड़ा कदम उठाया जा सकता है इस बैठक के बाद? बिल्कुल, देखिए, शुभेंदु अधिकारी विपक्ष दल के नेता हैं, 78 विधायकों के साथ उनकी जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा हो रही है उसकी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को दें, क्योंकि ये एक पार्टी का प्रोटोकॉल है कि जब भी वहाँ कोई दिक्कत होती है दिल्ली को सूचना दी जाती है। और जिस तरीके से लगातार घटना हो रही है, अभी जेपी नड्डा भी बंगाल गए हुए थे दौरे पर, तमाम जगहों पर जाके मिले, जिन कार्यकर्ताओं के लोगों की हत्या हुई है, जिन कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है उनके परिजन से भी जाके जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलकर आए थे। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से घटनाएं चुनाव के बाद लगातार हो रही हैं, कार्यकर्ताओं को घर से बाहर निकाल कर मारा जा रहा है, रात के अंधेरे में उनकी हत्या हो रही है, फांसी डाल दिया जा रहा है, और अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, परेशान किया जा रहा है, उसको लेकर शुभेंदु अधिकारी आज 11 बजे दिल्ली में 7 जनपथ रोड पर जेपी नड्डा के आवास पर ही मुलाकात करेंगे और तमाम जानकारी देंगे कि कितने लोगों की हत्या हुई है, क्या वहाँ की स्थिति है। और क्योंकि आपको पहले से ही पता है कि 78 विधायक है, 78 विधायकों को वाई श्रेणी की सुरक्षा दे दी गई थी होम मिनिस्ट्री की तरफ से, लेकिन जो विधायक है वो तो सुरक्षित हैं, लेकिन विधायकों के अलावा, सांसदों के अलावा जो उनके कार्यकर्ता हैं, जो उनके लिए जमीन तैयार करते हैं, जिनके लिए बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि फिर आगे क्या कुछ रहता है, क्योंकि जिस तस्वीर की अभिषेक आप बात करें, चाहे वो चुनाव से पहले हो, चुनाव के दौरान हो, या फिर चुनाव के बाद हो, वो जी हिंदुस्तान ने हर तस्वीर दर्शकों को सबसे पहले दिखाई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, कोई अपडेट होगा तो एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। और एक और बड़ी खबर भी आपको बता दें, बंगाल के उत्तर 24 परगना से बड़ी खबर, बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बमबाजी और तोड़फोड़ की गई है। कई गुंडों ने एक घर पर बम फेंके, तोड़फोड़ की, और पीड़ितों का आरोप है कि तोलाबाजी के नाम पर यह तोड़फोड़ की गई है, वसूली देने से मना किया तो घर पर बमों की बारिश कर दी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित के घर के पास ही है सांसद अर्जुन सिंह का घर, पीड़ितों का आरोप है कि वसूली देने से मना किया तो घर पर बम फेंके गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के घर के पास बमबाजी और तोड़फोड़ की गई। तो जिनके घर पर बम फेंके गए, उन्होंने बताया कि उनसे 20,000 रुपए की वसूली करना चाहते थे ये गुंडे, और जब पैसे नहीं वसूल पाए तो किस तरीके से बमबाजी और तोड़फोड़ की गई, वो तस्वीरें आप जरा देखिए। अचानक से कोई बम चला, हमारे घर पे बम मारा, देखा कि हमारा पूरा उधर बाथरूम के साइड में पूरा दीवार वाल टूट गया, उसके वजह से हमारा गेट वेट तोड़ने लगे, पत्थर मारने लगे कि हमने बम मारा। हम बोले अरे हमारे घर पे चला है, उसके बाद किसी ने भी नहीं सुना, सब घर से बाहर निकलो, और मारने के लिए बहुत सारा, कम से कम 100 पत्थर 100 ईंटा तो इन लोगों ने हमारे घर पे चलाया है। उसके बाद 4-5 बम छत पे ऊपर मार दिया, यहाँ पे दुकान पूरा हमारा तोड़ दिया, वो दुकान तोड़ दिया, पूरा बाइक टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, बाइक को टुकड़ा करने के बाद भी उसको लेके जा रहे थे। आप बोल रहे थे कुछ, आपको डिमांड कर रहा था पैसे के लिए? हाँ हाँ, पैसे के लिए बोल रहा था लोग कि हमको पैसा 20,000 दीजिए। हमने कहा 20,000 देने पर आप घर में रहेंगे? हाँ, तो हम चावल दाल का दुकान है, कभी खुलता है कभी नहीं, तो दादा कहाँ से 20,000? लॉकडाउन चल रहा है 2 साल से। और बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल में चौथे चरण की वोटिंग के दौरान शीतलकुची में फायरिंग की जांच दी गई है, फायरिंग की जांच के आदेश दे दिए गए हैं, फॉरेंसिक टीम अब जांच शुरू कर चुकी है। ये बड़ी खबर, घटनास्थल पर सीआईडी टीम ने सीन रिक्रिएशन किया है, टीम ने गोली के हर निशानों की जांच की और पता लगाने की कोशिश की कि आखिर किस तरीके से हथियारों से फायरिंग की गई और कितनी दूर से ये फायरिंग हुई। पश्चिम बंगाल चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के दौरान कूचबिहार जिले के शीतलकुची में फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। फायरिंग का आरोप सीआईएसएफ पर लगा था और अब इस पूरे मामले की जांच फॉरेंसिक टीम कर रही है। तस्वीरें आप देखिए, ग्राउंड जीरो पर पहुंची और हर एंगल से अब जांच जारी है। और चलिए बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण की। वैक्सीनेशन पर सवाल उठाने वालों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करारा प्रहार देखने को मिला है, और अफवाह फैलाने वालों को पीएम मोदी ने नसीहत दी,
भ्रम फैलाने वाले लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पीएम मोदी ने कहा। साथ ही कहा कि वैक्सीन पर जो अफवाह फैला रहे हैं उन अफवाह फैलाने वालों से आप बचे, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये मानकर चल रहे हैं कि वैक्सीन अगर लग गई तो उनकी जान के साथ खिलवाड़ हो सकता है, और ऐसे में इन्हीं लोगों से सचेत रहने के लिए अपील करते हुए पीएम मोदी नजर आए। अफवाह गैंग को इंजेक्शन लग गया, वैक्सीन का दम, अफवाह गैंग खत्म, मिला जवाब तो सन्नाटे में भ्रमजीवी। पहले कोरोना को लेकर छाती पीटेंगे, फिर वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाएंगे, सियासत करेंगे, राजनीतिक रोटियां सेकेंगे, और रही सही कसर तो लोगों को टीका नहीं लगवाने के लिए उकसाएंगे। देश के ऐसे भ्रमजीवियों, नफरती गैंग, विरोधियों को देश के प्रधानमंत्री के जवाब ने कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में सरकार की नीति, नियत और नतीजों का तो जिक्र किया ही, साथ ही महामारी के खिलाफ जंग कमजोर करने वाले बुद्धिजीवियों पर भी जोरदार प्रहार किया। जो लोग वैक्सीन को लेकर आशंका पैदा कर रहे हैं, अफवाहें फैला रहे हैं, वो भोले भाले भाई बहनों के जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसी अफवाहों से सतर्क रहने की जरूरत है। वैक्सीन पर अफवाह आशंका का अंत, जिसकी बंद दुकान वो वैक्सीन से परेशान। मोदी सरकार ने देश में फ्री वैक्सीन का संकल्प लिया है, जिसको विपक्ष अपनी जीत के तौर पर मना रही है। कांग्रेस ने तंज कसा कि मोदी सरकार ने विपक्ष के दबाव के चलते मुफ्त टीकाकरण का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरे विरोधी दल भी निशाना साधने में पीछे नहीं रहे। आधी अधूरी ही सही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उस मांग को स्वीकार कर, देश की उस मांग को स्वीकार कर, 18 साल के आयु से अधिक हर भारतीय की वैक्सीनेशन की जिम्मेवारी अधूरे तरीके से ही सही, मोदी सरकार ने उसे पार्शली माना तो सही। अंततः सुप्रीम कोर्ट की डांट खाने के बाद केंद्र सरकार होश में आई है, अपनी कुंभकर्णी निद्रा से जागी है। एक जब पूरा मुल्क शोक में हो तो प्रधानमंत्री जी की ओर से जो संदेश आना चाहिए था उस शोक के साथ साझा करने वाला संदेश होना चाहिए था, जिसकी मुझे कमी दिखी। पीएम के भाषण से तिलमिलाए विपक्ष पर बीजेपी भी आक्रामक नजर आई। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, देश में अच्छा होता है तब भी कांग्रेस को परेशानी होती है। देखिए, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, उनका एक ही मकसद आरंभ से रहा है, कहीं ना कहीं झूठ और भ्रम की राजनीति करना। और बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, जब भी देश में अच्छा होता है, अगर कोरोना की संख्या आज कम हो रही है, आज कहीं ना कहीं हिंदुस्तान अच्छा कर रहा है, वैक्सीन सबको मुफ्त मिल रहे हैं, उसमें भी कांग्रेस पार्टी को परेशानी हो रही है, क्योंकि उनकी राजनीतिक दुकान बंद हो रही है। कोरोना जैसी महामारी में सियासत करने वाले को पीएम मोदी ने तो आईना दिखाया है, साथ ही बिना नाम लिए उन तमाम विरोधी दलों को जवाब दिया जो केंद्र सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में विपक्ष की राजनीति पर करारा जवाब दिया है। सबसे पहले उन्होंने देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि जिम्मेदारी उठाने और उसे पूरा करने में फर्क होता है। इस दौरान पीएम मोदी ने 21 जून से देश में सभी लोगों को मुफ्त टीकाकरण का ऐलान किया। तो विपक्ष की भ्रम फैलाने वाली सियासी दुकान बंद होती अब नजर आने लगी है, ये रिपोर्ट देखिए। विपक्ष को पीएम का खरा जवाब, वैक्सीन की खरीद भी केंद्र के हवाले, खर्च भी केंद्र सरकार ही उठाएगी। अरसे बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चुप्पी तोड़ी तो कोरोना काल में विपक्ष की राजनीति पर जमकर हमला बोला। किसी भी विपक्षी दल या राज्य का नाम तो नहीं लिया, लेकिन देश के सामने स्पष्ट कर दिया कि जिम्मेदारी उठाने और उसे पूरा करने में फर्क होता है। पीएम मोदी ने योग दिवस यानी 21 जून से देश में सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाने का ऐलान कर दिया। साथ ही ये भी साफ कर दिया कि अब वैक्सीन की खरीद केंद्र के हवाले होगी और खर्च भी केंद्र ही उठाएगा। राज्य को वैक्सीन की खरीद और खर्च पर नहीं, सिर्फ टीकाकरण पर ही ध्यान देना होगा। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने आज राज्यों की इस समस्या का समाधान भी किया है
और 18 से ऊपर के प्रत्येक नागरिक को मुफ्त में वैक्सीन की घोषणा करके 21 जून से इसे देश के अंदर लागू करने के लिए आज पूरे देश को प्रधानमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। साथ ही प्रधानमंत्री जी के दिल में गरीबों के प्रति संवेदना है, यह एक बार फिर से आज साबित हुआ। पीएम के इस फैसले का कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और नेताओं ने आभार जताया। राज्य सिर्फ टीकाकरण पर ही ध्यान दे, विपक्ष की भ्रम फैलाने वाली दुकान बंद। इधर वैक्सीन पर सवाल उठाने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव खुद तो वैक्सीन लगवा लिए, लेकिन जनता को भ्रम में डालने वाली राजनीति जारी रखी। और इसी रिपोर्ट के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटे हमारे साथ।